हेलो दोस्तों, आपको अगर व्हाट्सएप के स्टिकर बनाने हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए किस तरीके से स्टिकर बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा तरीका है स्टिकर बनाने का। जैसे लेना है हमें स्टिकर सेंड करना है और यहाँ पर इमोजी पर क्लिक करना है और सबसे नीचे एक सर्च बार है, एक इमोजी है, एक जिफ है और इसके बराबर में ये जो है, ये वाला जो है, ये स्टिकर है जैसे मैंने पहले ही बना रखे हैं। और जैसे हमें सेंड करना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारा स्टिकर है, ये वाला जो है, ये हमारा स्टिकर है। इस तरीके से ही अपने ही स्टिकर कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाते हैं और यहां पर करते हैं अपना सर्च इरेजर। इरेजर ये है बैकग्राउंड इरेजर, ठीक है। ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये इसका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जो भी हमें बैकग्राउंड इरेज करना है वो इमेज हम ले लेते हैं। जैसे हमें करनी है बैकग्राउंड इमेज इरेज, जैसे ये वाली इमेज है यूट्यूब की, इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये पहले से ऑलरेडी इरेज है, दूसरी ले लेते हैं। जैसे ये वाली ली और हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। क्रॉप देनी है तो क्रॉप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। सेलेक्ट हो गई है और हमें जो है ये वाला हिस्सा इरेज करना है, ये व्हाइट वाला। तो यहाँ पर ऑटो है, ये वाला ऑटो, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक कर लिया और ऑटो सेलेक्ट करा और ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा इरेज हो गया है। और दूसरा है, दूसरा करते हैं पीला भी इरेज करते हैं, ये देखिए। अब इसे हम जूम कर लेते हैं, जैसे ये छोटे छोटे हैं इरेज कर लेते हैं इनके बीच का हिस्सा। ये हो गया हमारा इरेज, देखिए सारा इरेज हो गया। और हम इसे देख लेते हैं, देखिए इस तरीके से हमारी इमेज आई और इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी इरेज, ये इमेज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई और इसे सेव करने के बाद में मिनिमाइज कर देते हैं। और इसके बाद में आता है एक पर्सनल ऐप जिसका इंटरफेस इस तरीके से देखते हैं। पर्सनल ऐप डाउनलोड कर ये देखिए इसका पूरा नाम है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, इस पर क्लिक करते हैं। ये भी मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है और इसे ओपन करते हैं। इसमें मैंने स्टिकर पहले ही ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर इसमें और ऐड करना है जो हमने वो वाला स्टिकर बनाया था जो अभी ट्रांसपेरेंट किया था, उसे हम ऐड कर लेते हैं। वो आएगा हमारा इरेजर फोल्डर में, ठीक है। ये है वो, मैंने कुछ ऐप पहले मैंने कुछ
इमेजेस पहले ही ट्रांसपेरेंट करके रख रखी हैं, ये आ गया आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है वो इमेज जो हमने अभी बनाई थी, ठीक है। और अब सीधे हम व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं, हमने स्टिकर पहले सेंड करा था यहाँ पर, और वो जो स्टिकर है वो हम सेंड करते हैं, ठीक है। इमोजी पे क्लिक करते हैं, स्टिकर पर जाते हैं और वो इमेज आई हमारी यहाँ पर, ये है वो इमेज। और हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से चली जाती है। मैंने बहुत सारी स्टिकर बना रखे हैं, जैसे मैंने अपना फ़ोटो बना रखा है, अपने लोगो का फ़ोटो बना रखा है, ये इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बहुत सुंदर इरेजर के माध्यम से ये बहुत इरेज करा था ये इमेज, ये देखिए ये इस तरीके से बनता है। और एक कंडीशन इसमें ये है कि हम 30 इमेजेज ही ऐड कर सकते हैं, 30 इमेज ही ऐड कर सकते हैं, उसके बाद में हमें उस फोल्डर से डिलीट करना पड़ेगा और तब हमें इसमें ऐड होगी, 30 से ज़्यादा इमेज ऐड नहीं होने की है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 ऐप डाउनलोड करनी है और उसी के माध्यम से अपने स्टिकर बना सकते हैं और सेंड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं अपना नया फीचर्स है ये। अभी दो मंथ हुए होंगे इसका अपडेट होने पर, जब से ये फीचर्स आया है, और काफ़ी इन्जॉय भरा है और अच्छा लगता है देखने में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फीचर्स। और ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर आपकी वीडियो काम में आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।